महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट वनडे और टी20 मैचों में बना है कितने रन, जानिए माहे के सभी रिकॉर्ड। तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानतम कप्तानों और बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज में से एक है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 21 साल लंबे शानदार करियर की कप्तानी में बैटिंग और कप्तानी के कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2007 से 2017 तक भारतीय टीम की टेस्ट और साल 2008 से लेकर 14 तक वनडे क्रिकेट में कप्तानी की है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट डेब्यू की बात करें तो धोनी ने टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे से किया था। धोनी भारत के लिए अपने पहले मैच में बिना खाता खोले डग आउट हो गए थे। धोनी ने अपना डेब्यू 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में किया था। धोनी ने भारत के लिए अपने T20 डेब्यू 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका खिलाफ किया था। तो दोस्तों आइए जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट वनडे और T20 का रिकॉर्ड। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो धोनी ने अपना पहला टेस्ट 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ चेन्नई में किया था। दोस्तों धोनी ने अपने डेब्यू पारी में 30 रन पारी खेली थी, ये ड्रॉ मैच था। वहीं दोस्तों धोनी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर 2014 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। धोनी ने इस मैच की दोनों पारियों में 11 और 24 रन बनाए थे, ये मैच भी ड्रॉ रहा था। दोस्तों धोनी ने भारत के लिए 7005 से लेकर 14 तक 90 टेस्ट मैच खेले। दोस्तों धोनी ने अपने 90 टेस्ट मैचों की 144 पारियों में 16 बार नाबाद रहते हुए 38.09 के औसत से 4876 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट में 6 शतक और 33 अर्धशतक लगाए हैं। दोस्तों टेस्ट में धोनी का उच्चतम स्कोर 224 का था, जो उन्होंने 2013 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में धोनी का स्ट्राइक रेट 59.11 और उन्होंने 8249 गेंदों का सामना किया था। टेस्ट में धोनी ने 59.11 स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में 544 और 78 छक्के जड़े हैं। वहीं दोस्तों टेस्ट में धोनी ने विकेट के पीछे से 256 कैच पकड़े हैं और 38 स्टंपिंग की है। वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ किया था। अपने पहले वनडे मैच में धोनी बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे और भारत ने यह मैच 11 रन से जीत लिया था। दोस्तों धोनी ने अपना आखिरी वनडे मैच 9 से 10 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का कभी भी फैन उनका इस पारी को नहीं भूल सकता है। यह मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेला गया था। दोस्तों धोनी अपना आखिरी वनडे मैच में 50 रन बनाकर रन आउट हुए थे। ये मैच 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच था, जिसमें भारत को 18 रनों से शिकस्त मिली थी। धोनी ने अपने 350 वनडे मैचों की 297 पारियों में 84 बार नाबाद रहते हुए 50.57 के औसत से 10,777 रन बनाए, उनका उच्चतम स्कोर 183 का रहा है। दोस्तों धोनी ने वनडे में 10 शतक और 73 अर्धशतक लगाए। धोनी ने वनडे में 826 चौके और 229 छक्के जड़े हैं। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने 87.56 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और उन्होंने 12,303 गेंदों का सामना किया है। वनडे में माही ने विकेट के पीछे से 321 कैच पकड़े हैं और 123 स्टंपिंग की है। वही दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट रिकॉर्ड की बात करें तो धोनी ने भारत के लिए अपना T20 डेब्यू 1 दिसंबर 2006 को जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। दोस्तों धोनी इस मैच में भी 0 पर बोल्ड हुए थे। महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए इस मैच में 6 विकेट से जीत हासिल की थी। धोनी भारत के लिए अपना आखिरी T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 फरवरी 2019 को खेला था। इस मैच में भारत 7 विकेट से हार गया था। दोस्तों धोनी ने इस मैच में 23 गेंदों में 40 रन की पारी खेली थी। महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के लिए 98 T20 मैचों की 85 पारियों में 37.60 के औसत से 42 बार नाबाद रहते हुए 1617 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी का उच्चतम स्कोर 56 रनों का रहा है। T20 इंटरनेशनल में धोनी ने 1284 गेंदों का सामना किया है और उनका स्ट्राइक रेट 126.13 का रहा है। इस फॉर्मेट में धोनी ने 2 अर्धशतक जड़े हैं। भारत के लिए धोनी ने T20 में मैचों की 116 पारियों में 52 छक्के लगाए। इस फॉर्मेट में धोनी ने 57 स्टंपिंग की और 34 कैच पकड़े हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। आप महेंद्र सिंह धोनी के इस क्रिकेट करियर के बारे में कुछ लाइन हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।